नमस्कार। हम यादृच्छिक सादिशों के विषय में चर्चा कर रहे थे एवं हमने यह देखा था कि किस प्रकार हम एक यादृच्छिक सादिश के घनत्व फलन को परिभाषित कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने सम्मिश्र यादृच्छिक चरों को भी समझा था एवं यह देखा था कि एक सम्मिश्र यादृच्छिक चर के संदर्भ में हम उसका वर्ग मध्यमान, जिसे अंग्रेजी में मीन स्क्वेर्ड वैल्यू कहते हैं, इस प्रकार परिभाषित करते हैं। जहां जेड स्टार जेड कॉन्जुगेट को इंगित करता है, यदि जेड बराबर है एक्स जमा आयोटा जे, तब जेड कॉन्जुगेट बराबर होगा एक्स घटा आयोटा जे। हमने यह देखा था एवं इसका प्रयोग करके जेड का प्रसरण भी परिभाषित किया था। जेड का प्रसरण है जेड का वर्ग मध्यमान घटा जेड के मध्यमान के निरपेक्ष मान का वर्ग। अब यादृच्छिक सादिशों संदर्भ में यादृच्छिक सादिशों के संदर्भ में यदि जी अदिश जी एक्स एन यादृच्छिक चरों एक्स एन का फलन है, तब क्षमा कीजिएगा, जी एक्स एन चरों का फलन है, तब जी एक्स यादृच्छिक चर एक्स के संदर्भ में भी इस यादृच्छिक सादिश का होगा एवं एक यादृच्छिक चर, वह एक यादृच्छिक चर होगा। अब क्योंकि जी एक्स एक यादृच्छिक चर है, फलस्वरूप हम जी एक्स का मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यह होगा एवं अब हम यह सिद्ध नहीं करेंगे, हम पहले संतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में यह सिद्ध कर चुके हैं कि यह इस प्रकार दिया जाएगा, किंतु अब हम इसे सिद्ध नहीं करेंगे, हम इसे इसी प्रकार लिखेंगे एवं हम लिख सकते हैं प्रत्याशित मान आई एक से एन ए आई जी आई एक्स बराबर है जोड़ आई एक से एन ए आई प्रत्याशा जी एक्स। यह अब किन्हीं दो यादृच्छिक चरों एक्स जे का सह प्रसरण हम सिग्मा आई जे के रूप में लिख सकते हैं। सिग्मा आई जे बराबर है प्रत्याशा एक्स आई घटा म्यू जे गुणा एक्स आई घटा म्यू आई एक्स जे घटा म्यू जे कॉन्जुगेट बराबर है सिग्मा आई जे, हम इसे सी आई जे ही कहते हैं, यह बराबर है सी जे आई का कॉन्जुगेट एवं हम यह दिखा सकते हैं कि यह
यह है। इसी प्रकार सीआईआई एक्सआई का प्रसरण, सीआईआई एक्सआई का प्रसरण होगा। दो यादृच्छिक चर एक्सआई एवं एक्सजे असहसंबंधित कहलाते हैं यदि सीआईजे शून्य हो। यह हम पहले भी एक रूप में परिभाषित कर चुके हैं, किंतु अब यह सब सम्मिश्र यादृच्छिक चरों के संदर्भ में है, तो यह हमने दोबारा परिभाषित कर दिया। अब यह कहना भी आवश्यक है कि यदि यादृच्छिक चर एक्स एक से एक्स एन स्वतंत्र हैं तब वे असहसंबंधित भी हैं। यदि यादृच्छिक चर स्वतंत्र हैं तब वे असहसंबंधित भी हैं। हम एक यादृच्छिक सादिश एक्स के लिए सह प्रसरण आव्यूह कोवेरिएंस मैट्रिक्स परिभाषित करेंगे। सह प्रसरण आव्यूह अथवा कोवेरिएंस मैट्रिक्स परिभाषित करने के पूर्व हम एक यादृच्छिक चर x जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है एक्स 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 एन एवं एक्स एक्स स्थानांतरण अथवा एक्स ट्रांसपोज कहते हैं ट्रांसपोज, एक्स ट्रांसपोज अथवा एक्स स्थानांतरण बराबर है एक्स 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 एन इस प्रकार होगा। अब हम यदि इनका गुणाफल देखें, यह एक्स एवं एक्स ट्रांसपोज एक्स स्थानांतरण का बाहरी गुणाफल आउटर प्रोडक्ट एक्स एवं एक्स ट्रांसपोज का आंतरिक गुणाफल यह होता है या एक्स का आंतरिक गुणाफल यह जोड़ एक्स आई वर्ग, आंतरिक गुणाफल यह होगा, बाहरी गुणाफल यह होगा। अब एक्स एवं एक्स एक्स ट्रांसपोज का बाहरी गुणाफल परिभाषित करते हुए हम लिख सकते हैं xn xn एन छोटा, यह एक एन गुणा एन आव्यूह है, यह एक एन गुणा एन आव्यूह है। अर्थात अब यदि हम प्रत्याशित मान एक्स घटा म्यू एक्स एक्स घटा म्यू एक्स ट्रांसपोज इसकी बात करें तब हम लिख सकते हैं यह होगा प्रत्याशित मान
इस आव्यूह का एवं यह इस आव्यूह का प्रत्याशित मान होगा एवं इस आव्यूह के घटक इस प्रकार लिखे जाएंगे एक्स एक माइनस म्यू एक गुणा एक्स एक माइनस म्यू एक एक्स दो माइनस म्यू दो एक्स एन माइनस म्यू यह यह अब इस प्रत्याशा को अंदर लेकर जाते हुए हम लिख सकते हैं यह आव्यूह होगा हम इस प्रकार प्रत्याशा को अंदर ले जा सकते हैं यह जो कि वास्तविक यादृच्छिक साजिशों के संदर्भ में वास्तविक यादृच्छिक साजिशों के संदर्भ में यह होगा सी एक एक सी एक दो सी एन एन सी एक एन सी एन एक सी दो दो सी दो एन यह राक्षस तो हम यह सी यह यादृच्छिक साजिशों का सह प्रसरण आव्यूह यह यादृच्छिक चरों का सह प्रसरण आव्यूह कहलाता है एवं यह देखना सरल है कि इसका आईजेवां घटक घटक वास्तविक यादृच्छिक चरों xi एवं yj का सहप्रसरण इसी प्रकार एक सम्मिश्र यादृच्छिक अब एक सम्मिश्र यादृच्छिक सादिश ऐसा यादृच्छिक सादिश है जिसके सभी अवयव अथवा जिसके सभी घटक सम्मिश्र यादृच्छिक चर हैं जिस प्रकार हमने वास्तविक यादृच्छिक चरों का सादिश परिभाषित करके उसे वास्तविक यादृच्छिक सादिश कहा था उसी प्रकार सम्मिश्र यादृच्छिक सादिश एक ऐसा सादिश है जिसके सभी घटक सम्मिश्र यादृच्छिक चर हैं जिसके घटक सम्मिश्र यादृच्छिक चर हैं अब इनके सम्मिश्र यादृच्छिक चर x के लिए सहप्रसरण आव्यूह इस प्रकार परिभाषित होगा यहां
एच का अर्थ है कॉन्जुगेट लेकर स्थानांतरण। किसी भी आव्यूह अथवा सादिश के लिए इस एच का अर्थ है कॉन्जुगेट लेकर स्थानांतरण। इसे एच को कॉन्जुगेट स्थानांतरण अथवा हर्मिशियन, इसे कॉन्जुगेट स्थानांतरण, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अथवा सरल रूप से हर्मिशियन कहते हैं। अब हर्मिशियन यह भी दिखाना सरल होगा कि यह सी एक एक से सी एन 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 सी एक एन सी एन एक, यह भी एक एन गुणा एन, यह भी एक एन गुणा एन आव्यूह है। अब हमने सहप्रसरण आव्यूह को देख लिया है। अब हम सहप्रसरण आव्यूह के दो मूलभूत गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। हम केवल इसके अनेक गुणधर्म होते हैं, किंतु इस कोर्स के लिए हमें केवल दो गुणधर्मों की चर्चा करना ही पर्याप्त है। एक यह एक हर्मिशियन सममित, हर्मिशियन सिमेट्रिक। अर्थात C बराबर है C हर्मिशियन। यह सिद्ध करना सरल है। हम इसका पूर्ण हर्मिशियन लेते हुए यह बराबर है सी, अर्थात हमने यह सिद्ध कर दिया। अब इसका दूसरा आवश्यक गुणधर्म जो कि हम देखना चाहते हैं वह है कि यह सहप्रसरण आव्यूह एक ऋणेतर निश्चित नॉन नेगेटिव डेफिनेट आव्यूह है। यह एक ऋणेतर निश्चित आव्यूह अथवा नॉन नेगेटिव डेफिनेट आव्यूह है। यह सिद्ध करने के पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि नॉन नेगेटिव डेफिनेट अथवा ऋणेतर निश्चित आव्यूह होता क्या है। कोई भी आव्यूह ए जो कि n गुणा n सम्मिश्र अवयवों के समष्टि का अवयव है, ऋणेतर निश्चित निश्चित तब कहलाता है जब किसी भी सादिश x जो कि cn का अवयव है के लिए x हर्मिशियन cx, x हर्मिशियन ax, क्षमा कीजिएगा, हर्मिशियन ax शून्य से बड़ा हो। यह एक अदिश संख्या है एवं यह शून्य से बड़ी है। अब सहप्रसरण आव्यूह के संदर्भ में यह सिद्ध करने के लिए सकते हैं, हम x के स्थान पर a लिखेंगे क्योंकि
छोटे एक्स और बड़े एक्स में हमें थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, इसलिए हम छोटा ए परिभाषित करेंगे, ए सी ए बराबर है ए प्रत्याशा। यदि हम यहाँ पर ए के स्थान पर छोटा एक्स प्रयोग करते तब हमें असुविधा होती। यह बराबर है, यह एक रैखिकीय परिवर्तन है, यह भी एक रैखिकीय परिवर्तन है, मैं इन दोनों को इस प्रत्याशा में समाहित कर सकता हूँ। ए हर्मिशियन एक्स, एक्स हर्मिशियन ए, यह अब यह सिद्ध करना आवश्यक है, एक्स हर्मिशियन वाई दो सादिशों के लिए बराबर है जोड़ एक्स आई वाई कॉन्जुगेट, आई आई जाता है एक से एन। इसी प्रकार वाई हर्मिशियन एक्स बराबर है जोड़ आई एक से एन एक्स आई कॉन्जुगेट वाई आई, क्षमा कीजिएगा एक्स आई कॉन्जुगेट वाई आई एवं एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट। यह अर्थात पहली बात, यह दोनों अदिश होंगे, यह भी अदिश है यह भी अदिश है, एक्स हर्मिशियन वाई एवं वाई हर्मिशियन एक्स अदिश हैं, एक दो एक्स हर्मिशियन वाई बराबर है वाई हर्मिशियन एक्स का कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट में किसी पर भी लगाऊं वह दूसरे का कॉन्जुगेट ही रहेगा। यह है अर्थात इसे मैं लिख सकता हूं ए हर्मिशियन एक्स, ए हर्मिशियन एक्स कॉन्जुगेट, यह बराबर है, यह बराबर है ए हर्मिशियन एक्स का, यह यादृच्छिक चर, अदिश यादृच्छिक चर, ए हर्मिशियन एक्स का वर्ग मध्यमान है जो परिभाषा से ही जो ऋणेत्तर के रूप में ही परिभाषित है, परिभाषा से ही ऋणेत्तर है, भाषा से ही ऋणेत्तर है, यह परिभाषा से ही ऋणेत्तर है। अर्थात हमारा प्रमेय कि एक्स हर्मिशियन सी एक्स, ए हर्मिशियन सी ए, सभी ए के लिए ऋणेत्तर है सिद्ध हुआ। अब यदि ए हर्मिशियन सी ए सभी ए शून्य सादिश के लिए शून्य से बड़ा अथवा तर है तब आव्यूह सी को धनात्मक निश्चित कहा जाएगा। अब यादृच्छिक चरों एक्स एक से एक्स एन को रैखिक रूप से स्वतंत्र कहा जाता है जब किसी भी अवयव सी एन का
लिखिए x का निरपेक्ष मान यह दिखाना सरल है, हम दिखाएंगे नहीं, किंतु यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि x से x से xn रैखिक रूप से स्वतंत्र हैं, यदि x से x से xn रैखिक रूप से स्वतंत्र हैं, तब उनका सहप्रसरण आव्यूह धनात्मक निश्चित ही होगा। यह सरल यादृच्छिक सादिशों एवं उनके सहप्रसरण आव्यूहों की हमारी चर्चा थी। इससे हमने यह समझ लिया कि अनेक यादृच्छिक चरों के संदर्भ में हम उन यादृच्छिक चरों को, जब हमारे पास दो से अधिक यादृच्छिक चर हों तो हम उन यादृच्छिक, यहाँ तक कि जब हमारे पास एक से यादृच्छिक चर हो तब भी हम उन यादृच्छिक चरों को एक यादृच्छिक सादिश के रूप में देख सकते हैं एवं उस सादिश के सांख्यिकीय गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी के साथ हमारी यह चर्चा समाप्त होती है। अब हम यादृच्छिक चरों की प्रतिबंध घनत्व एवं उनके सप्रतिबंध मध्यमानों एवं सप्रतिबंध प्रत्याशाओं की चर्चा करेंगे वह अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।